अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बिल्कुल इनको देख लेंगे। सभा है कल नहीं, अगर वो लग जाए, अगर वाला लग जाता हो और अगर हम काम कर पाए तो उस टाइप का जमा दो, अपन ऑपरेशन बाद में जमा दो। सब कार्यकर्ता साथ में आगे बढ़ना था, वो किसी ने इधर चलना उधर चलने में दो एक सीढ़ी ऊपर से पूरा बस कर राहुल उधर अकेले बैठा ये है वो। मनोज भैया, कोई दुर्घटना हुई है आपके साथ, क्या हादसा हुआ है और अभी क्या स्थिति है? हम हाटपटलिया में जनसंपर्क कर रहे थे, जनसंपर्क के दौरान सीढ़ी पर से हमारा जो है पैर पूरा मुड़ गया और सीढ़ी पर से उतरते समय कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मुड़ने से वो एक जगह फ्रैक्चर हुआ है। अभी आप कहाँ पर आए? अभी हम अभी यहाँ सरोजा हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं ट्रीटमेंट, आगे देखें क्या कहते हैं। क्या आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है? क्या ऑपरेशन की सलाह दी गई है? और हम ऑपरेशन चूँकि अभी जनसंपर्क का समय है तो ऑपरेशन चुनाव के बाद ही करवाएंगे, तब तक की वो वैकल्पिक व्यवस्था डॉक्टर साहब के द्वारा की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें शरीर से बढ़ के डॉक्टर साहब से पहले सलाह ली गई है अलग अलग डॉक्टर से कि भाई हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें पैर में सूजन भी आएगी तो वैसे भी दो तीन दिन के बाद होना, और अगर हम यहाँ पर जो है ऑपरेशन करवा लेते हैं तो बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, उसमें घाव भी रहेगा। अभी एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो कर सकते हैं तो हम करेंगे, जनसंपर्क जनता के बीच में रहेंगे। मतदान में चंद दिन शेष है, मतदान तो हमारे एक कार्यकर्ता जो है मनोज चौधरी है, मुझे वैसे आवश्यकता, लेकिन पूरे मन से वो काम करते हैं तो विजय श्री वो उनको खुद को ही प्राप्त करना है। कल आपके नेता जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, चूँकि अभी आपका दुर्घटनाग्रस्त हूँ, मैं रहूँगा वहाँ पर, मैं निश्चित रूप से रहूँगा और इसीलिए यहाँ पर ये व्यवस्था। वहाँ पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी आपके? हम वहाँ जा कर के बैठ सकते हैं, डॉक्टर साहब से सलाह ली है तो चलेंगे फिरेंगे नहीं, लेकिन बैठ करके हम सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी और आम सभा में भी हम सम्मिलित रहेंगे। ठीक जी, दुर्घटना क्षेत्र के विधायक श्री मनोज जी चौधरी चोटग्रस्त होकर इलाज करवाने आए थे, उनका सीढ़ी से पैर उतरते समय बोझ खा गया जिससे उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। हड्डी में फ्रैक्चर होकर हड्डी थोड़ी सी अपनी जगह से खिसक गई है, क्योंकि अभी उनको सूजन अत्यधिक है तो अभी उनको बर्फ से सेक करके नी कैप एवं एंकल बाइंडर आदि सपोर्ट दिया गया है। स्वेलिंग यदि कम हो जाती है तो अभी हाल फिलहाल उनको प्लास्टर लगा दिया जाएगा और चुनाव के बाद में यदि लगेगा वापस एक्सरे करके
यदि हो सकेगा तो ऑपरेशन किया जाएगा, अन्यथा प्लास्टर से ही ठीक करने की कोशिश क्या लग रहा है ऑपरेशन की आपके द्वारा सलाह दी गई? हाँ ये कहना चाहिए कि हम लोगों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, पर अब चूँकि अभी चुनाव चल रहे हैं उनको जनसंपर्क भी करना है, अभी हम उनका कार्य प्लास्टर द्वारा चल सकता है जिससे बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था नहीं बनेगी और बाद में भी ऑपरेशन किया जा सकता है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? डॉक्टर अवतार सिंह सलूजा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, देवास।